हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रिकॉर्ड नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम हमारे दोस्त के यहाँ इमली खाने आए खेत में, और ये है वो दोस्त जिसका खेत है जहाँ पर हम इमली खाने आए, और एक और वो प्राणी है वो वहाँ पर है जो अक्सर मेरी वीडियो में नजर आता रहता है। और वो दूसरा दोस्त ईश्वर, जिसको तो आप जानते ही हो, अक्सर मेरी वीडियो में नजर आता रहता है। मोटिवेशन दो आप सभी लोगों को। तो दोस्तों, इसमें ईश्वर ने एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो शूट करवाया है जिसको मैं वीडियो के एंड में डालूंगा, तो उसको एक बार जरूर देखना। तो इस समय दोस्तों, हम एक ऐतिहासिक स्थल पर खड़े हैं जिसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। हाय, हेलो, दिस इज ईश्वर चंदना, वेलकम बैक टू माय न्यू। तो गाइस, अभी यहाँ पे मेले की तैयारी वगैरह चल रही है एंड बहुत सारी दुकानें लग चुकी है, बहुत सारी दुकानें लगने वाली है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे सारी दुकानें लगेगी, साथ में दोस्त वोस्त वगैरह है अभी। तो अभी हमारे हैं मॉर्निंग के टाइम पे, एंड शाम के टाइम पे यहाँ पे मेला लगेगा या नहीं लगेगा वो शाम को पता चलेगा, क्योंकि आज के दिन में और कल के दिन में दो दिन का फर्क पड़ रहा है, तो इसलिए आज भी हो सकता है मेला, कल भी हो सकता है। तो शाम को ही पता चलेगा, अगर शाम को मेला होता है तो शाम को आपको पास वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए लगे रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अब ईश्वर की दुकान लगने वाली है, इस जगह में दुकान लगेगी। हाथ वाथ लगा रखा है मैंने, और आज मेला है एक नहीं है वो पता नहीं, शाम को पता पड़ेगा मेला है एक नहीं, शाम को क्या दिन को पता पड़ जाएगा। एंड बाकी इस जगह पे हम लगाएंगे शॉप अपनी, ठीक है, चालू जाना भी। और यहाँ पे मेरे को नहीं पता किसकी शॉप रहेगी, और यहाँ पे मेरे को नहीं पता किसकी शॉप बट लगेगी। सबसे स्टॉप तो नहीं कर दिया है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, लाइफ में हमेशा आगे बने ही सोचो, ठीक है। दूसरी बात ये है, लड़की के पीछे मत भागो। तीसरी बात ये कि इन दोनों बातों को दिल पे ले लो, ठीक है। अगर इस बात को सीरियस ले लिया तो लाइफ में इतना आगे बढ़ जाओगे कि तुम्हें लड़की के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लड़की खुद तुम्हारे पीछे आएगी, ठीक है। और एक और बात ये कि यार, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है उनके बारे में सोचो, ठीक है, उनकी रेस्पेक्ट करो, और उन्होंने तुम्हें इस काबिल बनाया है कि तुम कुछ ऐसा कर सको कि अपने मॉम डैड का उनका नाम रोशन कर सको, ठीक है। एक लड़की के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद मत करो, लड़की टेम्प्रेरी होगी, आज नहीं उसे एक नहीं तो दूसरा मिल जाएगा, बट तुम्हें तुम्हारी लाइफ तो तुम्हारा टाइम है, वो तुम्हें वापस नहीं मिलने वाला, तो अपने उस टाइम को यूटिलाइज़ करो, उसको सही से यूज़ करो। जब तुम एक करियर में सेटल हो जाओगे ना, तो तुम्हें इतनी सारी लड़कियाँ मिल जाएगी कि तुम्हें सबसे मन भर जाएगा और सब वेस्ट लगेगा, सही बताओ तुम्हें, ठीक है। तो अपने करियर के पीछे भागो, पहले सेटल हो जाओ, ठीक है। बहुत सारे लोगों से सुना होगा सेटल क्या हो जाए, सेटल क्या हो जाए, बस सेटल हो जाओ एक बार। जब आप सेटल हो जाओगे तो आप खुद में आपको एक जोश आ जाएगा कि हाँ, मैंने सही डिसीजन लिया था उस टाइम पे, किसी लड़की के पीछे नहीं भागा और आज मैं इस पोजीशन पर हूँ। और आपके पीछे लड़कियों की तो लाइन लगी होगी, ठीक है। आप स्मार्ट हो, कैसे भी हो, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करो, शेयर करो अपने उन हरामी दोस्तों को जो अभी किसी लड़की के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ओके।